बाजीराव मस्तानी की कहानी पर फिल्म बनाने का सपना संजय लीला भंसाली वर्षों से संजोए हुए थे, जो अब जाकर साकार हुआ है। यह फिल्म बाजीराव और मस्तानी की प्रेम कहानी पर आधारित है, लेकिन निर्देशक ने ड्रामे को मनोरंजक बनाने के लिए अपनी ओर से भी बहुत कुछ जोड़ा है। फिल्म एनएम इनामदार के उपन्यास राव पर आधारित है। मराठा शासक बाजीराव पेशवा से बुंदेलखंड के राजा अपनी बेटी मस्तानी के जरिए दुश्मन से निपटने के लिए मदद मांगते हैं। बाजीराव अपनी सेना लेकर पहुंच जाते हैं। मस्तानी भी युद्ध में बाजीराव के साथ हिस्सा लेती है। उसके सौंदर्य और बहादुरी से बाजीराव प्रभावित होते हैं। दूसरी ओर मस्तानी बाजीराव के इश्क में दीवानी हो जाती है। युद्ध के कुछ दिनों बाद मस्तानी भी बुंदेलखंड से पुणे आ जाती है। जब बाजीराव और मस्तानी की मोहब्बत की बात बाजीराव की पत्नी काशी और माँ को पता चलती है तो उन्हें दुख पहुँचता है। मस्तानी का अपमान किया जाता है। मस्तानी हिंदू पिता और मुस्लिम माँ की संतान है और मुस्लिम धर्म को मानती है। इस वजह से ब्राह्मण इस रिश्ते का विरोध करते हैं। बाजीराव देखते हैं कि मस्तानी को मान सम्मान नहीं मिल रहा है, तो वे मस्तानी से विवाह रचा लेते हैं। तमाम विरोधों के बावजूद मस्तानी और बाजीराव का इश्क कम होने के बजाय दिन प्रतिदिन परवान चढ़ता है और कहानी मुख्यतः काशी, बाजीराव और मस्तानी के इर्द गिर्द घूमती है। तीनों किरदारों की मनोदशा को बेहद सूक्ष्मता के साथ संजय लीला भंसाली ने पेश किया है। एक और मस्तानी है, जिसका बिना शर्त वाला इश्क जो उसके लिए इबादत है, खुदा है, तो दूसरी ओर महजब और रिश्तों के बीच जकड़ा हुआ बाजीराव है, जिसके इश्क को दुनिया समझ नहीं पाती और वह सभी की नजर में खलनायक बन गया है। मस्तानी को मान सम्मान दिलाने के लिए वह सबसे बढ़ जाता है। इन दोनों के बीच काशी पीसती है, जो चुपचाप सब सहती है और बिना अपराध के भी अपने पति को दूसरी स्त्री की बाहों में देखने का दुख उठाती है। इन तीनों किरदारों के मन की हलचल बेहतरीन अभिनय और निर्देशन के कारण सतह पर आ जाती है और दर्शक इसे महसूस करता है। जरूरत है धैर्य के साथ सब कुछ देखने और महसूस करने की। किस किरदार से आपको सहानुभूति है, ये आपकी सोच और समझ पर निर्भर है, लेकिन एक आम दर्शक की नज़र में बाजीराव और मस्तानी की नकारात्मक छवि बनती है, क्योंकि शादीशुदा होने के बावजूद बाजीराव ने इश्क फरमाया और बिना कारण अपनी पत्नी काशी को दुख पहुँचाया। पर यह इश्क है, उम्र, जाति, मजहब रिश्ते नहीं देखता। कब किससे हो जाए कहा नहीं जा सकता। संजय लीला भंसाली का निर्देशन लाजवाब है। हर सीन को उन्होंने पेंटिंग की तरह पेश किया है। उनका प्रस्तुतिकरण जादुई है, जो दर्शकों को अलग दुनिया में ले जाता है। हर सीन को उन्होंने भव्य बनाया है, जो कहीं कहीं अतिरेक भी लगता है। जरूरी नहीं है कि हर दृश्य में भीड़ खड़ी कर दी जाए। कुछ प्रसंग जल्दबाजी में भी निपटाए हैं, शायद समय का बंधन होगा। बाजीराव को नाचते देखना भी नहीं सुहाता, लेकिन ये फिल्म की छोटी मोटी कमियां हैं। फिल्म का क्लाइमेक्स बेहतरीन है, जिसमें मृत्यु के पूर्व बाजीराव को नदी में दुश्मन की सेना खड़ी नजर आती है और वह हवा में तलवार चलाता है। फिल्म के संवाद लाजवाब हैं और यह ड्रामे का मजा दोगुना कर देते हैं। फिल्म के सेट देखने लायक हैं। सुदीप चटर्जी की सिनेमेटोग्राफी में रंग, लाइट, शेड्स का कमाल देखने को मिलता है। संगीत खुद संजय लीला भंसाली का है और फिल्म के मूड के अनुरूप है। रणवीर सिंह को अपने कैरियर में इतनी जल्दी ही इतना भारी भरकम किरदार निभाने को मिला है। वे कैरेक्टर में घुस गए हैं और बाजीराव के गेटअप में जमे भी हैं। अपने लहजे, फिजिक पर भी उन्होंने खूब मेहनत की है और उनका काम शानदार रहा है। मस्तानी के किरदार में दीपिका पादुकोण का अभिनय देखने लायक है। वे बेहद खूबसूरत लगी हैं और इश्क में दीवानी राजकुमारी का किरदार उन्होंने बखूबी जीवंत किया है। प्रियंका चोपड़ा के पास संवाद कम थे और ज्यादातर उन्हें चेहरे के भाव से ही अपने दर्द को बयां करना था और यह काम उन्होंने बेहतरीन तरीके से किया है। बाजीराव मस्तानी को देखने के अनेक कारण हैं और इसे देखा जाना चाहिए। इस फिल्म को मैं 5 में से 3.5 स्टार देता हूँ।